हेलो गाइस, आपके अपने चैनल शेमा के स्टॉकर में आपका स्वागत है। सो गाइस, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहां पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे धुनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज की कंडीशन की बात करें तो मार्केट की कंडीशन काफी खराब थी। दो दिन से 400 पॉइंट के आसपास जो कि माइनस में था। इवन आफ्टर जो कि धुनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज की बात करें तो गाइस आज भी इसमें प्लस देखने को मिला था। सो गाइस, काफी सारी न्यूज है, एक नहीं दो नहीं काफी सारी न्यूज है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, गाइस एक लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज मिस कर जाएंगे। तो धुनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज की बात करें तो आज के हाई की जो कि 521.50 रुपए तक आज हाई गया था, लो की बात करें 510 रुपए इसका आज का लो है। पाउंड की हाई की बात करें 599.95 रुपए इसका पाउंड हाई है। लो की बात करें तो 165.15 रुपए इसका पाउंड वीक लो है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो टोटली पीक पर है अभी जो इसका पाउंड हाई है वही इसका मैक्सिमम है। इससे पहले की बात करें तो गाइस जो कि इससे पहले करीब 500 रुपए के आसपास तक जो कि 2018 में गया था, बट उसके बाद यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला था और जो कि 107 रुपए तक नीचे चला गया था मार्च 2020 में जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, जो कि कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था। तो गाइस सबसे पहले हम इसका एनालिसिस चेक कर लेते हैं। एनालिसिस की बात करें तो एक चीज आपको नोटिस करने को मिलेगी कि यहाँ पर जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 11,000 के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। क्यों हुआ है, टोटल वॉल्यूम क्या है इसका, जो कि टोटल इक्विटी क्या है इसकी, वो पूरा डिस्कशन करेंगे। तो गाइस सबसे पहले इसका स्पॉट एनालिसिस देख लेते हैं। 4 स्ट्रेंथ है, 4 वीकनेस है, 3 अपॉर्चुनिटीज है, 2 थ्रेट है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें, कंपनी विद लो डेप्ट है, बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेस, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें वीकनेस की तो डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन quarter, declining revenue every quarter for the past year, 2 quarters, declining profits every quarter for the past year, 2 quarters, major coal interim and profit. And अगर बात करें इसकी opportunities की, highest recovery from 52 week low जो कि काफी 150 रुपए के आसपास से जो कि 500 रुपए को already cross कर चुका है। स्टॉक विद लो पी आर साइन इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ। एंड अगर बात करें थ्रेट की तो प्रॉफिट टू लॉस कंपनी, डीग्रोथ इन रेवेन्यू प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन रिसेंट रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड अगर आज की बात करें तो गाइस ऑफ कोर्स यहां पर जो कि डाउनफॉल देखने को मिला था और एक सेलिंग भी हुई थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो कि ऑफ कोर्स एक बड़ी बाइंग भी आपको देखने को मिल रही है कि ये 17 जून को ये बहुत ही बड़ी बाइंग हुई थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इसके सेंटीमेंट की बात करें तो गाइस सेंटीमेंट भी काफी बेटर है। इवन अभी इसकी कंडीशन है वो काफी फेवर में है बाय के, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी न्यूज ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। वो न्यूज क्या है, सो गाइस ऑफ कोर्स हर किसी को वेट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल भी इसका जो कि जो रेवेन्यू है मार्च क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इवन आधा यहाँ पर हो चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर बात करें ईयर ऑन ईयर तो एक जंप भी देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट में एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है मार्च क्वार्टर में, तो 24 करोड़ का यहाँ पर लॉस हुआ था मार्च क्वार्टर में। एंड बात करें अर्निंग पर शेयर की तो गाइस अर्निंग पर शेयर भी काफी खराब है, तो फाइनेंशियल इतनी बेटर नहीं है जो टोटली अभी एट प्रेजेंट जो कंडीशन है। एंड शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग जो कि 68.9% यहाँ पर जो कि प्रमोटर होल्डिंग है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें पब्लिक की तो 29.06% यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो कि एक एंट्री के साथ यहाँ पर जो कि 2.03% के साथ यहाँ पर एंट्री ले चुके हैं। अदर्स की भी एंट्री 0.01% के साथ है। एंड अपार्ट फ्रॉम होल्डिंग जो कि यहाँ पर होल्डिंग जो कि इंक्रीज अगर नजर आ रही है, अगर यहाँ पर जो कि 20 से जून 2020 से लेके अगर बात करें होल्डिंग इंटर की तो यहाँ पर होल्डिंग इंक्रीज हुई है। बात करें सितंबर से दिसंबर तो यहाँ पर भी होल्डिंग इंक्रीज हुई है। एंड जून 2021 में भी होल्डिंग जो कि बिल्कुल इक्विवेलेंट है। एंड प्लेज की बात करें तो प्रमोटर प्लेज 0 है। एंड म्यूचुअल फंड की बात करें तो जून में जो कंडीशन है जो होल्डिंग वाली म्यूचुअल फंड की वो अभी इक्विवेलेंट है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। सो गाइस सबसे पहले हम इसकी न्यूज देख लेते हैं जो कि धमाकेदार न्यूज है। तो ऑफ कोर्स एक तो जो कि ऑलरेडी जो कि आ चुकी है न्यूज जो कि Q4 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, तो धुनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज टंबल्स 10% आफ्टर नेट लॉस ऑफ 24.64 करोड़ इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 21। तो गाइस फाइनेंशियल काफी खराब है, फाइनेंशियल को देखें तो गाइस काफी इवन सोचना पड़ रहा है इसमें कि लेना चाहिए शेयर नहीं लेना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें इसके जो कि
डिविडेंड की, तो गाइस इसने ₹5 पर इक्विटी शेयर डिविडेंड रिकमेंड किया था। एंड ऑफ कोर्स इस जिसकी एक्स डेट भी चली गई वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो कि बोर्ड ऑफ जो कि उसके बोर्ड ने धुनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज ने जो कि बोनस इश्यू किया है, जो बोनस रेशियो है 1:2 का जो बोनस रेशियो जो कि अनाउंस कर चुका है, तो ये काफी जबरदस्त और धमाकेदार न्यूज जो कि धुनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से आ रही है। जो कि मीटिंग हुई थी 29 जून को एंड अप्रूवल ऑलरेडी आ चुका है। अप्रूव्ड इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:2 इज दैट 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर होल्डर्स शेयर हेल्ड। सो गाइस जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 बोनस शेयर मिलेगा। सो गाइस टोटल जो द बोर्ड ऑल्सो अप्रूव्ड इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल टू ₹11 करोड़ कंप्राइजिंग ऑफ 1.1 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज। सो गाइस अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये न्यूज है ये हर जगह फ्लैश है, इवन काफी जबरदस्त न्यूज है। बोर्ड अप्रूव्ड जो कि इससे पहले जो ऑफकोर्स जो कि टोटल शेयर कैपिटल थी कंपनी की वो थी 7.50 करोड़ जो कि डिवाइडेड इनटू जो कि 75 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इच एंड रुपीज जो कि 11 करोड़ से भी जो कि 11 करोड़ जो कि टोटल डिवाइडेड इनटू 1.10 करोड़ जो कि इक्विटी शेयर है 10 इच। सो गाइस ये अभी बोनस इश्यू करेगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिविडेंड ऑलरेडी जा चुका है, जो डेट जा चुकी है वो भी डिस्कस करेंगे। सो गाइस इसके अलावा अगर बात करें जो कि जून की होल्डिंग भी आ चुकी है, तो गाइस एक चीज नोटिस करने को मिलेगी यहाँ पर कि टोटल जो कि इक्विटी है वो काफी कम है यहाँ पर, जो कि ये काफी बड़ी ही बड़ी धमाकेदार न्यूज है कि यहाँ पर जो कि इक्विटी है कंपनी की वो काफी कम है, जिसकी वजह से जो शेयर प्राइस है वो अभी जो कि ₹500 को क्रॉस कर चुका है। तो गाइस 70 लाख इक्विटी टोटल इक्विटी है, जिसमें से प्रोमोटर के पास 48.25 लाख जो कि क्वांटिटी है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिमेनिंग है जो पब्लिक के पास है करीब करीब पौने 22 लाख क्वांटिटी यहां पर जो कि पब्लिक के पास है। सो गाइस ये रेशियो अभी जो कि एट प्रेजेंट जो कि इक्विटी का है, जो कि जून क्वार्टर की होल्डिंग ऑलरेडी आ चुकी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो बात करें तो गाइस इसकी होल्डिंग ऑलरेडी जो कि यहां पर भी जो कि मैंने आपको बताई थी, तो गाइस सबसे पहले हम इसका जो कि एक्सटेंड देख लेते हैं कि इसकी जो डिविडेंड की एक्सटेंड क्या है। सो गाइस जो बोर्ड मीटिंग हुई थी 23 जून को, जिसमें बोर्ड डिविडेंड भी इश्यू जो कि रिकमेंड किया गया था, बोनस शेयर भी जो कि रिकमेंड किया गया था एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिविडेंड की एक्सटेट है वो एक्सटेट 1 जुलाई थी, जो कि ऑलरेडी जा चुकी है ₹5 पर इक्विटी शेयर, जो कि ऑफ कोर्स जो कि डिविडेंड जो कि पे करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें बोनस की, तो बोनस की जो एक्सटेट है वो 5 अगस्त है। सो गाइस अभी काफी जो कि दूर है, हो सकता है शेयर प्राइस क्योंकि ऊपर जाए, क्योंकि हर कोई जो कि बोनस के लिए रेडी होगा, बोनस लेने के लिए हर कोई तैयार होगा, तो बोनस के चक्कर में हो सकता है काफी ऊपर जाए शेयर प्राइस। सो गाइस अभी मैं करंट जो सिचुएशन है उसको देखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि गाइस थोड़ा सा नीचे मिले देन दैट विल बी एक्सीलेंट फॉर यू। सो गाइस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पोम की डेट भी जो कि 29 जुलाई जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। सो गाइस थोड़ा सा वेट करें, नीचे मिलेगा तो एक रिस्क है वो आपका कम रहेगा एंड ऑफकोर्स ऊपर जाने के काफी चांसेस है क्योंकि बोनस की एक्सटेंड अभी बाकी है और उसको करीब करीब 2 हफ्ते अभी और हैं। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज टेक केयर, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।